गुजरात वर्सेस दिल्ली डब्ल्यूपीएल का महामुकाबला दोस्तों आज शाम 7:30 PM को खेला जाना है। दो दोस्तों डब्ल्यूपीएल का 10वां मुकाबला होने वाला है वहां, जहां गुजरात ने 3 मैच खेला है और दिल्ली ने भी 3 मैच खेला है, परंतु दोनों में फर्क क्या है? गुजरात ने 3 मैचों में अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है, वहीं दिल्ली ने दोस्तों 3 मैच में 2 मैच विन किया है। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली का पल्ला भारी है, तो आज हम लोग बनाते हैं ड्रीम टीम। बनाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं काशी के प्रसिद्ध शिक्षक पंडित गणेश आपा जी का पंचांग लेकर के। दोस्तों आज हर खिलाड़ी की पोल पट्टी खोलने वाले हैं और दोस्तों आपको बताने वाले कि ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक कैसे लाया जाता है, आप कहां पर गलती करते हैं और विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं, ड्रीम इलेवन की कॉलेज सच्चाई क्या है, ड्रीम इलेवन में आप लाखों और करोड़ों रुपए क्यों नहीं जीत पाते, आखिर क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों दोस्तों आपकी रैंक आते आते रुक जाती है, किस प्रकार से ड्रीम टीम बनाना है, आप कहां पर गलती करते, आज सब कुछ बताने वाले हैं। और हर एक खिलाड़ी की दोस्तों आज राशि, गण, नक्षत्र और दोस्तों उनका शुभ योग और उसका राशि क्या है और उनका नाड़ी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। और आज कितने खिलाड़ियों को लेकर चलना है, किस खिलाड़ी को लेना है, किस खिलाड़ी को नहीं लेना है, किस खिलाड़ी के लेने से आप बर्बाद हो जाएंगे, किस खिलाड़ी के लेने से आप आबाद हो सकते हैं, सब कुछ आपको हम ज्योतिष विद्या के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आज पूरी तरह से पोल पट्टी खोलने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि मौसम में किस प्रकार की जानकारी होने वाली है, किस प्रकार का पिच बिहेव करेगी, किस तरह के बॉलर को मदद करने वाली, औसत स्कोर क्या है यहां का और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या, सब कुछ आपको हम बता देंगे और लास्ट में आपको एक ड्रीम टीम बनाकर देने वाले हैं। तो दोस्तों एक खुशखबरी है कि दोस्तों एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, प्रूफ करेंगे दोस्तों हमारी टीम के लोग क्यों आजकल कप्तान बन रहे हैं, आप लोग अगर इस प्रूफ को जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये मैच कहां होने वाला है, तो ये मैच होने वाला है दोस्तों MS चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलोर पर है, मैच खेलेगा ना है। और दोस्तों यहां पिच दोस्तों बैटिंग है, दोस्तों पिच बैटिंग है और स्पिन को मदद करने वाली है और औसत स्कोर है 145 रन दोस्तों, औसत स्कोर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, शुरुआत में दोस्तों इसी पिच पर औसत स्कोर 140 रन का रहा करता था, परंतु दोस्तों WPL में अच्छे दोस्तों आंकड़े बने हैं, अच्छे दोस्तों रन बने हैं, इससे दोस्तों औसत स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता दिखाई देता है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको यह भी बताते हैं कि मौसम में कुछ बादल घिरे रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है और यहां पर गुजरात को अभी जीत की दोस्तों सुगंध तक नहीं आई। तो दोस्तों क्या आज गुजरात दोस्तों डू और डाई की पोजीशन पर लड़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली ने ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है, वहां 3 मुकाबला खेला है, वहीं गुजरात को अभी जीत की दोस्तों सुगंध तक नहीं आई। तो दोस्तों आज दोस्तों गुजरात के लिए डू और डाई की पोजिशन है दोस्तों, वही दिल्ली भी ये सोचेगी कि हम दोस्तों 3 से 4 मैच जीत करके अंक तालिका में और श्रेष्ठ पर आए। तो दोस्तों संभावित प्लेइंग 11 क्या होने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो संभावित प्लेइंग 11 में हम आपको गुजरात ले चलते हैं। तो गुजरात की तरफ से बी मूनी है, एल बॉल वाइट है, पी लिचफील्ड है, एच देवोल है, डी हेमलता है, ए गार्डनर है, एस राणा है, के ब्रायस है, टी कावर है, एम सिंह और एम कश्यप है। वही दिल्ली टीम की करते हैं तो टी भाटिया, एम लैनिंग, एस वर्मा, जे रॉन्डिक्स, एम कपप, ए कैप्सी, जे जॉनसन, एम भिन्नू, एस पांडे, आर यादव और ए रेड्डी है। इस प्रकार से दोनों ही टीम को संभावित प्लेइंग 11 आपको बताया है। अब हम चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ी की आज पोल पट्टी खोलने वाले हैं, किसके द्वारा? काशी के प्रसिद्ध छह पंडित गणेश आपा जी के पंचांग के द्वारा एक एक खिलाड़ी की हम पोल पट्टी खोलते। तो आओ सभी लोग मिलकर के वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आज दोस्तों आप 4 चांद लगने वाला है वीडियो पर, दोस्तों आप लोग स्किप कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात, तो गुजरात के सबसे पहले लेते हैं बी मूनी को दोस्तों। बी मूनी जो अपनी टीम का नेतृत्व भी करती है और अपनी टीम की विकेट कीपिंग भी करती है, तो उनके पास चलते हैं। तो बी मूनी की अगर बात करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ब्रखराज से बिलोंग करती है, ब्रखराज से बिलोंग करती है, रोहिणी इनका नक्षत्र है और दोस्तों वन इनका वैश्य है और दोस्तों राशि इनका शुक्र है और गण मनुष्य है और नाड़ी अंत है, अर्थात बी मूनी को आप अपनी टीम पर ले सकते हैं।
तब जब दोस्तों सेकंड बैटिंग मिले तब दोस्तों भीम मुनी को आप ले सकते हैं। अगर सेकंड बैटिंग नहीं है तो आप भीम मुनी को कदापि मत लीजिए। इसके बाद एल वॉल व्हाइट है जो दो मैच केवल खेले। एल वॉल व्हाइट की बात करते हैं तो यहां पर हम एल वॉल व्हाइट पर चलते हैं तो ये देखिएगा एल वॉल व्हाइट है दोस्तों, इनका भी मेघ राशि है पर भरणी नक्षत्र है इनका। भरणी नक्षत्र है दोस्तों, यहाँ भौम की राशि से मनुष्य है और नारी इनका मध्य है, अर्थात इनको किसी भी टीम पर आप ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पी लिचफील्ड, हम चलते हैं दोस्तों यहां पर पी लिचफील्ड की तरफ से। तो आओ चलते हैं दोस्तों देरी न करते हुए यहां पर पी लिचफील्ड के विषय में जानते हैं। देखिएगा इनका जो नक्षत्र है दोस्तों राशि है सिंह है और नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है और दोस्तों इनका राशि सूर्य नंबर एक विराजमान है, बुध तीसरे पर विराजमान है, मनुष्य है और नाड़ी इनका आदि। अगर दोस्तों पहली पारी में अगर इनकी चलती है तो दोस्तों आप इन्हें ले लेना, अगर सेकंड पारी में इन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है तो कदापि ना लेना दोस्तों, कदापि ना लेना। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ एच देओल है और डी हेमलता है तो हम एच देवल की तरफ से चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग आ सकते हैं दोस्तों, मिथुन राशि से बिलोंग करती है, पुनर्वस नक्षत्र है उनका, बुध तीसरे और चंद्र पहले नंबर पर विराजमान है दोस्तों, इनका गल देव है नाड़ी आदि, अर्थात इन खिलाड़ी को लेने में आप कोई कसर न करना, आंख मूंद कर इस खिलाड़ी को आज ले लेना। इसके बाद दोस्तों डी हेमलता की बात करते हैं तो आओ चलते हैं, यहाँ कर्क राशि से बिलोंग करती है डी हेमलता, अश्लेखा नक्षत्र है इनका, चंद्र इनका राशि से है और गण इनका राक्षस है और नारी इनका अंत है, आप इन्हें भी ले लेना दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। और इसके बाद ए गार्डनर है, और चलते ए गार्डनर की तरफ तो मेक राशि से बिलोंग करती है, कृतिका नक्षत्र है दोस्तों, यहाँ भौम पहले नंबर पर शुक्र तीसरे नंबर पर विराजमान है, गले इनका राक्षस है और नाड़ी इनका अंत है, आप इन्हें भी ले सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एस राणा है और के ब्रायस है, एस राणा कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं, सत्विका नक्षत्र है, राक्षस प्रोटेक्शन की छाया है, आप दोस्तों के ब्रायस एस राणा को ले सकते हैं। अब बात आती है के ब्रायस की तो आओ चलते हैं, के ब्रायस में करते हैं मिथुन राशि से संकल्प है, पुनर्वस इनका नक्षत्र है, बुध तीसरे और चंद्र पहले नंबर पर विराजमान है, देव इनका ग्रह है और दोस्तों नाड़ी इनका आदि है, अर्थात सेकंड पारी में आप इन्हें ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम टी कांवर, एम सिंह और एम कपप की बात करते हैं, एम कश्यप की बात है, टी कांवर की पहली बात कर लेते हैं तो यहां पर और चलते हैं टी कांवर की, चलते हैं सिंह राशि से बिलोंग करती है टी कांवर, इनका भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है दोस्तों, इनका राशि से सूर्य मनुष्य इनका है दोस्तों, यहाँ पर ग्रह और राशि इनका मध्य है, अर्थात आप दोस्तों इन्हें ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत बॉलर है दोस्तों। इसके बाद एम कपप की बात करते हैं, एम कश्यप की बात करते हैं, एम सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पर और चलते हैं एम सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये देखिएगा आप लोग सिंह राशि से मिला गए, मघा नक्षत्र है इनका दोस्तों, सूर्य इनका राशि से, राक्षस इनका गढ़ है और नाड़ी इनका अंत है, अर्थात एम नाम के खिलाड़ियों को आपको लेने में थोड़ा चिंता होना चाहिए क्योंकि आज एम नाम के खिलाड़ियों का शुभ योग बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से गुजरात की टीम के विषय में जानकारी दी है, अब आप चलते हैं दोस्तों कहां पर, अब चलते हैं दिल्ली की टीम की तरफ, तो दिल्ली में है टी भाटिया दोस्तों, सबसे पहले हम टी भाटिया की बात करते हैं तो टी भाटिया यहां पर आप लोग देख सकते हैं, टी भाटिया मतलब सिंह राशि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य इनका राशि से, मनुष्य इनका गढ़ है, नारी इनका मध्य, अर्थात टी दोस्तों भाटिया को आप जरूर ले लेना टीम को, विकेट कीपर के रूप में टी भाटिया को ले लेना। एम लाइनिंग है और एस वर्मा है, एम लाइनिंग है देते सिंह राज इनकी भी, एम लाइनिंग की दोस्तों मघा नक्षत्र है, परंतु इनका क्या है मघा नक्षत्र है इनका एम लाइनिंग का और दोस्तों यहां पर इनका सूर्य राशि से है और गण इनका राक्षस और नाड़ी अंतर्गत, सेकंड पारी में बैटिंग करने का मौका मिलता है तो एम लाइनिंग को ले लेना। अब एस वर्मा की बात करते हैं तो इनका कुंभ राशि है, सत्विका नक्षत्र है दोस्तों, सत्विका नक्षत्र है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सन की छाया है, राक्षस प्रवृत्ति और नाड़ी इनका आदि, सेकंड पारी बैटिंग मिले तो एस वर्मा को जरूर ले लेना। यहाँ पर जे रांडी से एम कपप, जे रांडी की बात करते हैं, जे रांडी को आज अपनी टीम पर बिल्कुल न लेना दोस्तों, आज आप गोता खा जाएंगे, अगर जे रांडी को लेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, तो जे रांडी को आप अपनी टीम पर बिल्कुल न लेना, अगर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं परंतु आप ना लेना। फिर उसके बाद एम कपप है तो यहाँ पर सिंह राशि से विराज करती है एम कपप दोस्तों, मघा नक्षत्र है, सूर्य की छाया, अगर पहली बैटिंग मिलती है तो एम कपप को जरूर ले लेना, अर्थात बर्बाद हो जाओगे सेकंड बैटिंग में दोस्तों। एम कपप के बाद एक एफसी है, जे जोनेसन है, एक एफसी की बात करते हैं तो और चलते हैं मेघ राशि से विराज करती है कृतिका नक्षत्र है दोस्तों, इनका भौम एक और शुक्र तीसरे नंबर पर विराजमान है, गढ़ राक्षस है और दोस्तों इनका नाड़ी दोस्तों अंत है, अर्थात आप इन्हें बिल्कुल ले सकती है दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं एक कश्यप को। ये बात कश्यप या जे जोनेसन है दोस्तों, जे जोनेसन को आप बिल्कुल न ले टीम पर, अगर टीम पर ले लेते जे जोनेसन को तो आप बर्बाद हो जाएंगे, जा नाम के खिलाड़ी को आज टीम में आपको
बिल्कुल से नहीं लेना, नहीं तो आप बर्बाद होने के बिल्कुल कागार पर हो। क्योंकि जयराम दोस्तों यहाँ पर धनु राशि का प्रतीक होता है, उत्तराखंड का नक्षत्र होता है, आज उत्तराखंड का अशुभ योग बन रहा है। यहाँ पर एम भिन्नु है और एस पांडे हैं। एम भिन्नु मतलब सिंह राशि से विराजमान है, मघा नक्षत्र इनका दोस्तों, राशि इनका सूर्य, राक्षस इनका दोस्तों ग्रह है, अंत है, अर्थात सेकंड पारी बैटिंग मिलती है तो इन्हें ले लेना। एम कप एस भिन्नु के बाद दोस्तों एस पांडे है और आर यादव। एस पांडे का मतलब है दोस्तों कुंभ राशि से बिलोंग करती है, सत्विकान का नक्षत्र है, सन इनका राशि से है, गण इनका राक्षस है, नाड़ी आदि। अगर सेकंड पारी बॉलिंग मिलती है तो आप इन्हें ले लेना, सेकंड पारी बॉलिंग मिलती है तो आप इन्हें ले लेना। और दोस्तों आर यादव यहाँ तुला राशि से विराजमान है, चित्रा इनका नक्षत्र है दोस्तों। यहाँ पर बुध दूसरे और शुक्र दोनों एक साथ है, अर्थात इस खिलाड़ी को आप जरूर ले लेना, आज ये खिलाड़ी आपको विकेट देगा। इसके बाद ए रेड्डी है यहाँ पर, और चलते हैं मेक राशि से बिलोंग है, कृतिका नक्षत्र बहुत पहले और शुक्र तीसरे नंबर पर विराजमान है, राक्षस इनका ग्रह और नारी इनका अंत है, आप इन्हें सेकंड पारी में ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने दोनों टीम के खिलाड़ियों के विषय में बहुत ही बारीकी से जानकारी दी, एक एक खिलाड़ी के विषय में बिल्कुल जानकारी दे दी। अब चलते हैं दोनों खिलाड़ियों के टीम के खिलाड़ियों ने पिछले अपने दो दो मैचों में किस प्रकार का प्रदर्शन किया है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आओ चलते हैं, देरी नहीं करते, सबसे पहले पहुंचते हैं हम गुजरात। तो गुजरात में भी मुनि ने अपने पिछले मैच में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया आपके सामने आंखों देखा, हाल भी हम आपके सामने स्कोर रख दिया है। तो यहां पर भी मुनि ने पिछले मैच में 8 रन और 24 रन बनाए हैं, तो जिस नाम के लिहाज से जाने जाते हैं उसके दोस्तों बिल्कुल विपरीत इनका दोस्तों रहा है प्रदर्शन। इसलिए दोस्तों गुजरात की टीम दोस्तों किसी भी दोस्तों खिलाड़ी ने देखिए यहाँ पर दोस्तों गुजरात की पूरी टीम में दोस्तों 31 रन हाईएस्ट डी हेमलता का है, 31 रन दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट है, किसी खिलाड़ी ने दोस्तों 50 नहीं मारी। इसीलिए गुजरात अभी भी जीत की सुगंध से दोस्तों एक कदम दूर दिखती है। तो दोस्तों आज क्या ये जीत हासिल कर पाती या तो वक्त बताएगा या दिल्ली की छोली में फिर से एक बार मुकाबला जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर आप भीमुनी ने 8 रन 24 रन बनाए, एल बॉल वाइट ने 9 रन 0 रन बनाए, पी लिचफील्ड की बात करें तो मात्र 12 रन बनाए, वहीं एच देवोल ने 38 रन बनाए, यहां डी हेमलता ने 34 रन बनाए, यहां ए गार्डनर ने दोस्तों 22 रन बनाए, एस राणा ने 12 रन बनाए, वही के ब्रायस ने दोस्तों 28 रन बनाए, एक विकेट झटका, टी कावर ने दोस्तों 32 रन बनाकर 3 विकेट झटके, एम सिंह को एक भी विकेट नहीं मिला और एम कश्यप को मात्र एक विकेट मिला। इस प्रकार से पूरी गुजरात की टीम में सबसे हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो मात्र 34 रन है दोस्तों ये दोस्तों दो मैचों में। तो इस तरह से गुजरात की टीम इतनी सब बहुत धराशायी नजर आ रही है दोस्तों। यहां हम चलते हैं अब दिल्ली की टीम का आंखों देखा हाल भी हम आपको बताने वाले हैं। तो और चलते हैं दिल्ली, चलते हैं टी भाटिया, इन्होंने 25 रन बनाए अपनी टीम के, विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज टी भाटिया, ये दोस्तों 25 रन बनाए और एक मैच में 0 पर आउट हो गई। एम लाइनिंग है दोस्तों 51 रन 31 रन, मान लो 82 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों, दो मैचों में 82 रन की शानदार पारी खेली है। वहीं शेफाली वर्मा की बात करते हैं, इन्होंने 64 रन 32 रन, अर्थात दो मैचों में 96 रन बनाए दोस्तों, 96 बनाए। आप लोग इससे कंपेयर करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कितना फर्क है, यही वजह है गुजरात की हार और दिल्ली की जीत के, यही वजह आपके सामने साफ दिखाई देता नजर आता है। वही जे रांडिक से 42 रन और 14 रन, मात्र 56 रन बनाए। वही दोस्तों एम कपम ने 16 रन बनाकर 4 विकेट झटके, वही दोस्तों यहाँ पर एक एफसी 18 रन और 75 रन की शानदार पारी खेली है और दो विकेट भी झटके, जे जोनासन ने 18 रन और दो विकेट झटके। एम मिन्नू को कोई भी सफलता नहीं मिली, एस पांडे को एक सफलता, वही आर यादव को 4 सफलता, वही ए रेड्डी को 3 सफलता मिली है। इस प्रकार से हमने दोनों टीम के दोस्तों पिछले मैचों का आंखों देखा हाल हम आपके सामने बताया है। अब दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग बनाते हैं एक ड्रीम टीम दोस्तों। तो आओ चलते हैं, देरी न करते हुए ड्रीम टीम बनाते हैं। तो यहां पर दिल्ली का दोस्तों मुकाबला थोड़ा सा भारी दिखाई देता नजर आता, अर्थात दिल्ली थोड़ा जोरदार टीम समझ में आती है। तो यहां पर जो हम रेशियो लेंगे दोस्तों 4-7 का रेशियो लेकर के हम टीम बनाएंगे। तो यहां पर हम किसको लेते हैं देखते दोस्तों, यहां पर हम ले लेते हैं बी मुनी को, ले लेते हैं किसको, ले लेते हैं बी मुनी को, ले लेते हैं बी मुनी को, ले लेते हैं दोस्तों बी मुनी को ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बी मुनी के बाद दोस्तों हम ले लेते हैं डी हेमलता, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, क्योंकि हमें ऑलराउंडर की जरूरत है दोस्तों, डी हेमलता को ले लेते हैं। डी हेमलता के बाद दोस्तों यहां पर हम चलते हैं, इसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं टी भाटिया
को छोड़ देते, एम लाइनिंग को लेते, एम लाइनिंग को ले लेते हैं, क्योंकि हम दोस्तों पहले से ही विकेट कीपर ले चुके, एम लाइनिंग को ले लेते। एम लाइनिंग के बाद दोस्तों यहां पर एस वर्मा को ले लेते, एस वर्मा को ले लेते, एस वर्मा को ले लेते, एस वर्मा के बाद दोस्तों हम ले लेते जे रॉन्ड्रिक्स को ले लेते, जे रॉन्ड्रिक्स को ले लेते, जे रॉन्ड्रिक्स को ले लेते, जे रॉन्ड्रिक्स के बाद दोस्तों और अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम ले लेते एम कपप को। एम कपप बहुत ही शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इन्हें लेना बहुत ही जरूरी, एम कपप को ले लेते दोस्तों। इसके बाद ए कैफसी को लेते थे, ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, ए कैफसी को ले लेते। एक कैप्सी के बाद दोस्तों हम बॉलिंग सेक्शन पर जाते हैं, तो हम ले लेते हैं के ब्रायस को, के ब्रायस को ले लेते, के ब्रायस को ले लेते, के ब्रायस के बाद दोस्तों हम ले लेते हैं टी कांवर को, तो टी कांवर को ले लेते। इस प्रकार से गुजरात की तरफ से हमने चार खिलाड़ी ले चुके हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं दोस्तों जे जोनासन को, जे जोनासन को ले लेते, जे जोनासन को ले लेते हैं दोस्तों। और इसके बाद ले लेते हैं दोस्तों यहां पर हम ले लेते हैं ए रेड्डी को, ए रेड्डी को ले लेते। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ड्रीम टीम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। तो आप लोग हमारी ड्रीम टीम को देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ड्रीम टीम में कौन कौन खिलाड़ी है, बी मुनी है, डी हेमलता है, एम लाइनिंग है, एस वर्मा है, जे रॉन्ड्रिक्स है, एम कपप है, ए कैप्सी है, के ब्रायस है, टी कांवर है, जे जोनासन है, ए रेड्डी है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ड्रीम टीम बनकर के तैयार हो जाती है। परंतु दोस्तों ड्रीम टीम बनाना कोई खास बात नहीं, बात आती है जब कप्तान उप कप्तान बनाते हैं। आओ चलते हैं बनाते हैं कप्तान उप कप्तान। तो यहां पर दोस्तों हम एक बार रिस्क लेते हैं, शेफाली वर्मा को दोस्तों हम कप्तान बनाते हैं, और दोस्तों यहां पर हम एक कैप्सी को वाइस कैप्टन बनाते हैं दोस्तों, वाइस कैप्टन बनाते हैं। अगर दोस्तों आप सेफ जोन पर जाना चाहते हैं, अगर आप सेफ जोन पर जाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अगर रिस्क लेते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट टीम आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।